पास और आज हम बात करने वाले हैं फिर से डेली लीट कोड चैलेंज की। और यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना। और वीडियो तक जरूर एंड तक देखें क्योंकि यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरव्यूज कोडिंग प्लेसमेंट राउंड्स में पूछ लिया जाता है और पता भी होना चाहिए क्योंकि यार बेसिक नॉलेज के ऊपर आज का जो क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि आज का क्वेश्चन का नाम है इम्प्लीमेंट स्टैक बट यूजिंग अ क्यूज, है ना। और यार ये आपसे इंटरव्यू पूछ लेता है कि भाई आपको स्टैक इम्प्लीमेंट करनी आती है, आप कहोगे हाँ जी आती है, लेकिन वो कहता है कि आपको स्टैक का यूज नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको क्यू यूज करके आपको स्टैक करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टैक क्या करता है और क्यू क्या करता है। बेसिकली स्टैक हमारा होता है लीफो पे बेस्ड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब जो पहले जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, और क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइक जैसे आप क्यूज लगती हैं तो जो पहले क्यू में खड़ा होता है उसे पहले मौका मिलता है ना, तो सिमिलरली क्यू ऐसी होती है, है ना। कमेंट करके जरूर बताएं यार कि आपको स्टैक पसंद है या क्यू। मतलब आपको ये नहीं कह रहा कि यार डाटा स्ट्रक्चर कौन सा पसंद है, मैं कह रहा हूँ मतलब आपको ये वाली चीज़ पसंद है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट हो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, है ना। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, आपका क्या है कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो चलते हैं कि भाई आखिर हम इसे करेंगे कैसे। तो करने के लिए मैं जो है अपना बोर्ड निकाल लेता हूँ और डिस्कस करते करते क्वेश्चन को हम करेंगे मस्ती से यार, है ना। तो सबसे पहले हमें क्यू करना है और हमें कुछ ऑपरेशन हमें पता है कि क्यू में क्या होता है। क्यू में हमारा फ्रंट होता है, क्यू में हमारा पीक होता है, लेकिन हमें पीक और ये सब यूज नहीं करना। हमारे पास बस दो ऑपरेशन वैलिड है, फ्रंट इज एम्प्टी पॉप, ये हमारे पास वैलिड है। और हमें जो है स्टैक के कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करनी है। स्टैक को परफॉर्म करने का मतलब क्या है कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं स्टैक को परफॉर्म करना है मुझे यहाँ पे, तो स्टैक को परफॉर्म करने का मतलब है कि भाई मुझे स्टैक के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। परफॉर्म द ऑपरेशंस गाइस, हमें ऑपरेशंस उसके परफॉर्म करने हैं और वो फंक्शनैलिटी स्टैक की शो करे यूजिंग क्यूज, ठीक है। तो आखिर हम इसे करेंगे कैसे, उसके लिए थोड़ा सा जो है हमें समझना पड़ेगा, चीज़ों को लेके एनालाइज करना पड़ेगा। और यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, जब ही हम चीज़ों को समझ पाएंगे। ओके गाइस, तो हम जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम बात करें थोड़ा सा कि हमें कुछ ऑपरेशंस जो हमें पता है, हमें पुश होता है हमारा, ठीक है, हमारा पॉप होता है, ठीक है, हमारा टॉप होता है और हमारा एक एम्प्टी होता है ना। तो यार मेजर बात एम्प्टी टॉप पॉप की तो इतनी नहीं है, लेकिन मेजर जो खेल है वो सारा पुश और पॉप का है। ओके, और हमें लीफों पे वर्क करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे करेंगे इसके लिए, यार सिंपल है, दो तरीके हैं, है ना। पहला तरीका कि क्या कर सकते हो कि आप अपना मेक कर सकते हो मेकिंग पॉप फंक्शन कॉस्टली, ठीक है, कि भाई पॉप फंक्शन को कॉस्टली बना सकते हो। एंड दूसरा है कि मेकिंग पुश फंक्शन कॉस्टली। तो दो अप्रोचेस की हम यहां बात करने वाले हैं, वैसे तीन अप्रोचेस की बात करने वाले हैं, मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इन दोनों पे बात करते हैं और फिर उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब ज़्यादातर अगर देखूँ तो पुश ऑपरेशन को कॉस्टली बनाने में ज़्यादा फायदा रहता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस। और वो क्यों, वो आप कोड जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली दो क्यू बना लेंगे अपनी, एक क्यू वन एक क्यू टू। मैंने क्या लगाया, मैंने दो क्यू का स्पेस ले लिया, और दो क्यू का स्पेस लेने के बाद सबसे पहले हम करते हैं कि पॉप फंक्शन को हम कॉस्टली बनाएंगे। तो पॉप फंक्शन को हम कॉस्टली बनाएंगे तो भाई पुश का तो हमें क्या करना है, पुश तो हमें सिंपली हम क्यू वन में पुश कर देंगे अपने एलिमेंट को, ठीक है, क्यू वन में पुश कर दिया। अब मेजर बात आती है हमारी पॉप की। पॉप की मेजर बात अगर हम करें तो जैसे मैं कहता हूं कि भाई हमने क्या करा, हमने तीन एलिमेंट ले लिए, पुश वन, ये हमें कहा गया कि भाई पुश वन कर दो, पुश टू कर दो, पुश थ्री कर दो, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, ये हमारी क्यू वन है और ये हमारी क्यू टू है, तो मैंने क्या भाई क्यू वन में पुश कर दिया मैंने, है ना, मैंने तीनों पुश कर दिए। अब पुश करने में तो चलो ठीक है, लेकिन यार ये तो हमारी क्यू की तरह गई, लेकिन अब आती है सारी की सारी बात पॉप करने की है।
क्योंकि हमें लीफो पे वर्क करना है और हमारा स्टैक में लीफो का मतलब क्या है, जो लास्ट में गया वो पहले आए, तो हमारा 3 बाहर आना चाहिए। लेकिन अगर मैं जो है क्यू से फ्रंट निकालूंगा तो हमारा 1 बाहर आएगा, गड़बड़ हो जाएगा यार। तो हमें पॉप पे अगर हम करें तो पॉप को हमें कैसे करना पड़ेगा, तो हमें ऐसे करना पड़ेगा कि हमें, हम कह सकते हैं कि भाई ये मेरी क्यू वन है, ये मेरी क्यू टू है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्यू वन से अपने एलिमेंट्स को क्यू टू में डालता हूँ। लेकिन हर जगह लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट एक्सपेक्ट हमें क्या करना है, लास्ट एलिमेंट को छोड़ के हम क्या कहेंगे कि लास्ट एलिमेंट को छोड़ दो और सारों को जो है उठा के यहाँ क्यू टू में डाल दो। समझ में आ रही है बात? हाँ बिल्कुल। और फिर क्या करेंगे, इस वाले एलिमेंट को हम पॉप मार देंगे और फिर से जो है रिटर्न कर देंगे, ये जो एलिमेंट हमने यहाँ पे डाले फिर से हम क्यू वन में रिटर्न कर देंगे। आई होप बात समझ में आई होगी, है ना। तो इसे जो है एक बार कोड करके मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, जिससे आपको हल्का सा आइडिया लग जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने क्या करा, मैंने अपनी क्यूज ले लूँगा, Q1, Q2, ये मैंने अपनी क्यूज जो है डिक्लेयर कर दी। पुश का तो हमें कुछ नहीं करना, हम सिंपली क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई Q1 में पुश कर दो, क्या Q1 में पुश कर दो अपने एक्स को। तो यहाँ तो हमें कोई झंझट वाली बात नहीं है, ये तो हमारा। लेकिन बात आती है पॉप की, अब हमें पॉप करना है। पॉप के लिए जैसे मैंने बताया कि अपने एलिमेंट्स को उठा के हम क्या करेंगे, हम उसमें डाल देंगे। तो पहले मैं साइज निकालूंगा कि भाई Q1 का साइज कितना हो गया, कितने एलिमेंट्स उसके अंदर हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स होंगे गाइस, उसमें क्या करना, वाइल लूप लगाना। और वाइल लूप लगा के हमने क्या करा, हमने क्या भाई लेस देन वन मतलब एक छोड़ दो और सारों को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने क्या भाई क्यू टू में पुश करवा देता हूँ क्यू वन के फ्रंट को, और इसके साथ साथ मैं क्या करता जाऊँगा, मैं क्यू वन को पॉप करता जाऊँगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। और एन को जो है कम करता जाऊँगा। अब इसके बाद क्या होगा, मेरे एक्स में लास्ट में जो बचेगा वो मेरा होएगा क्या, मेरा पॉप एलिमेंट लास्ट वाला। और क्यू वन को मैंने क्या कर दिया, फुल्ली पॉप कर दिया। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं अपना फिर से क्यू को, क्यू टू को एम्प्टी जब तक नहीं होती, मैं कहूँगा कि भाई जब तक एम्प्टी नहीं होते हो आप, जब तक क्या करो, जब तक क्यू वन में फिर से जो है पुश कर दो क्यू टू के फ्रंट को। अब तक बात समझ में आई गाइस? बिल्कुल। और यहाँ पे हमने रिटर्न मार दिया, क्या रिटर्न मार दिया हमने एक्स को, ठीक है। ये हमारा पॉप फंक्शन भी हो गया। अब यही सिमिलर हमारा क्या होएगा, यही सिमिलर हमारा टॉप भी होगा, ठीक है। टॉप में बस हम क्या करते हैं, टॉप में हम पॉप नहीं करते। चलो मैंने क्या पॉप भी कर लिया, टॉप में हम क्या करते हैं, ये रिटर्न करवाने के साथ यहाँ पे जब लास्ट में जो बात होगी, यहाँ पे मुझे Q1 को पुश करना पड़ेगा अपने X, ठीक है। और ये हमारा जो है चीज़ें सही हो जाएंगी। और एम्प्टी में रिटर्न Q1 इज, यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है, इज एम्प्टी इज वैलिड, ठीक है। तो गाइस रन करते हैं, ओके। तो इन्होंने क्या है, यूज अ अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर, ओके वेट, इन्होंने क्या, डू यू मीन एम्प्टी, ओके। तो इज एम्प्टी कुछ नहीं होता, एम्प्टी है, और ये हमारा जो है टाइम लिमिट एक्सीड आ गई, है ना। मतलब हमारा कोड सही वर्क कर रहा है लेकिन टाइम लिमिट हमारी जो है एक्सीड चली गई। तो इसके लिए अच्छा, टाइम लिमिट एक्सीड हमारी क्यों गई है, टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए गई है क्योंकि हमने Q2 को पॉप नहीं करा यहाँ पे यार।
कि हमने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे हमने क्यू टू को पॉप नहीं करा तो वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया था। तो अब गाइज रन करते हैं हम, टॉप और पॉप में आप भी लोग चेंज कर लेना, और देखिए ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो सबमिट नहीं करते क्योंकि मुझे पता है यार सबमिट तो हो जाएगा, लेकिन हमें जो है चीज़ें और भी समझनी है। ये हुई हमारी, क्योंकि इसमें आपने देखा कि हमने क्या करा, टॉप और पॉप। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें टॉप के लिए भी ओ ऑफ एंड टाइम लग रहा है, और पॉप के मतलब पॉप के लिए भी ओ ऑफ एंड टाइम लग रहा है, और हमारा पुश जो है ओ ऑफ वन में हमारा काम कर रहा है। लेकिन क्या हम इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल यार, और ऑप्टिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, मोर एफिशिएंट अप्रोच जो हम कह सकते हैं कि भाई हम पुश को कॉस्टली बनाते हैं। अब पुश को कैसे कॉस्टली बनाएंगे सर, बात ये आती है। बिल्कुल यार, तो समझते हैं कैसे कॉस्टली बनाएंगे। ठीक है, फिर से हमने क्या करा, हमने क्यू ले ली, और क्यू लेने के बाद अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई जैसे हमारे ये तीन ऑपरेशन है पुश के, वन टू एंड थ्री, मैंने कहा कि भाई जब आपकी बार क्या करो, आपकी बार पुश करोगे तो आपकी बार क्या करना, आपकी बार जो पुश करो वो क्यू टू में पुश करना। तो क्यू टू मेरी ये है, मैंने यहाँ पे जो है वन को पुश कर दी, वन को पुश करा तो मेरी जो है अभी क्यू वन तो मेरी खाली है, मुझे कुछ नहीं करना। नेक्स्ट बात आती है, ये मेरा हो गया, मैंने टू को करा, मैंने टू को क्या कहा, मैंने कहा टू को भी जो है पुश कर दो। अब टू को जैसे ही मैंने पुश करा, मैंने लेकिन एक इससे पहले मैंने एक चीज़ और करी कि भाई डायरेक्ट अब की बार पुश नहीं करूँगा, अब की बार क्या करूँगा, एक थोड़ी सी कहते हैं ना वो, जैसे अब्दू कहता है भाई चलाक, थोड़ा सा चलाक की हमने अपनाई, हमने क्या भाई कि भाई इसके बाद क्या करना, जब आप पुश करवा लो ना, पुश के बाद आप करना स्वैप, हम अपने क्यूज़ को स्वैप करेंगे, और अब जो ये क्यू टू थी ये हमारी हो जाएगी क्यू वन, और ये हो जाएगी हमारी क्यू टू। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है सर, अभी तो नहीं समझ में आ रही सर क्या हो रहा है ना, तो समझो पहले बात को देखो। अब मैं क्या करूँगा, फिर मैं टू पे गया, मैंने अपना पुश करवा लिया। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद जो थर्ड स्टेप वो आएगा, वो हमारा क्या आएगा, बेसिकली मैं अपने जो एम्प्टी क्यू वन को मैं अपनी एम्प्टी कर दूंगा, और मैं जो है इसे उठा के क्या करूँगा, सिंपली इसे उठा के मैंने जो है यहाँ पे क्यू टू पे लिया, तो मेरी लिस्ट क्या हो गई, मेरी लिस्ट हो गई बेसिकली इज लाइक टू वन, और ये मेरी खाली हो गई। ठीक है, और फिर मैंने चेंज करा, ये मेरा क्यू टू हो गया, ये मेरा क्यू वन हो गया। अब बात आती थ्री की, थ्री मेरा गया, थ्री मेरा कहाँ जाएगा, थ्री मेरा सिंपली, थ्री मेरा कहाँ प्लेस करेगा, थ्री मेरा यहाँ पे प्लेस करा। ठीक है, यहाँ पे प्लेस करा, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसे उठा के यहाँ पे प्लेस करवा दूंगा, तो ये टू ये वन, और देखिए अब आपका क्या है, यही तो हमें करना था, लास्ट में फर्स्ट आउट, और ये हमारा जो है फर्स्ट में आ रहा है, और हमें फर्स्ट ही हमारा आउट होता है फ्रंट पे, तो बिल्कुल जो है हमारी सही काम कर रहा है। आइए कोड पे देखते हैं, कोड से थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो क्या करता हूँ मैं, एक काम करते हैं इसे कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली पुश पे हम क्या करेंगे, पुश पे हम कहेंगे भाई पहले तो तुम क्यू टू में तो पुश करो, क्यू टू में पुश करो, क्यू टू में पुश करने के बाद फिर क्या करना, अगर तुम्हारा क्यू वन एम्प्टी नहीं होती, जैसे हमने देखा कि भाई जब भी क्यू वन एम्प्टी नहीं होता तो हम क्या कर रहे थे, उसमें हम बचुए को क्यू टू में डाल देते थे, पुश क्यू वन डॉट फ्रंट, और यहाँ से हमने Q1 को पॉप कर दिया। इतनी बात समझ में आई, आई होप आई होगी, है ना, इतना काम कर दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम मारेंगे स्वैप, और स्वैप मारने के लिए मुझे क्या चाहिएगी, मुझे चाहिएगी Q, Q int Q मान लिया हमने, और यहाँ पे मैंने Q1 को स्टोर कर लिया, फिर Q1 को मैंने Q2 कर दिया, और Q2 को मैंने कह दिया भाई, Q1 को मैंने Q2 कर दिया, और Q2 को मैंने कह दिया Q। ठीक है, ये हमारा जो है पुश का काम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर मैं बताऊं, देखो Q2 में पहले पुश हुआ, फिर इनिशियली Q1 हमारी एम्प्टी हुई, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमने क्या करा, हमने चेंज करे, अब हमारी जो भरी हुई थी वो हमारी Q1 हो गई, और दूसरी हमारी Q2 हो गई। अब हम उसमें 2 डाल देंगे, और फिर यहाँ से उठा के एलिमेंट उसमें कर देंगे, और हमारा 2 ऑलरेडी लास्ट एलिमेंट है, और वो हमने लास्ट में करा है, और फर्स्ट हमारा आउट भी होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा लॉजिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ओके गाइस, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ Q1 का पुश, जिससे आपको पता रहे कि यार हमने सॉल्यूशन, पिछले वाला हमारा सॉल्यूशन कमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है पॉप की। अब पॉप कैसे करवाएंगे, सिंपल है, अब तो लास्ट में है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे, किस में चेक करेंगे, हमारी कौन से में जा रहा है, हमारा काम किस में सबमिट हो रहा है, Q1 में सबमिट हो रहा है, तो हमें Q1 को चेक करना है कि भाई Q1 एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी हुआ तो क्या करूँगा मैं, तो मैं कहूँगा भाई रिटर्न कर दो 0, Q1 तो एम्प्टी है। नहीं होता अगर एम्प्टी तो मैं क्या कहूँगा, तो मैं कहूँगा रिटर्न कर दो क्यू। अच्छा ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते, मुझे एक एलिमेंट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू Q1 फ्रंट और Q1 यहाँ पे एक्स मैं अपना रिटर्न करूँगा और यहाँ पे मैं इसे पॉप करवाऊँगा, Q1 को पॉप कर दिया, ठीक है। टॉप में भी सिमिलर होगा, बस हल्का सा चेंज होगा। क्या टॉप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे भाई कि ये पॉप नहीं करवाना, ठीक है, और करवा लो, पॉप मत करवाना बस, ठीक है। तो इतना काम हमारा हुआ। नेक्स्ट बात आती है कि भाई ये हमारा Q1 एम्प्टी रहेगा, ठीक है। रन करके देखते हैं गाइस कि सर जो आप कह रहे हो वो सही भी है या नहीं। और देखिए ये एक्सेप्ट हमारा हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं यार कि हमने ये दो सॉल्यूशन की तो बात करी, लेकिन क्या अगर हम इंटरव्यू में हैं, क्या इंटरव्यूअर हमसे खुश होगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम दो क्यूज ले रहे हैं, है ना। बिल्कुल यार। तो एक इसका थर्ड वेरिएशन जो आ जाता है कि भाई वो इंटरव्यूअर आपसे कह सकता है कि भाई आप दो क्यू ले रहे हो, क्या आप इसे और ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यहाँ तो स्पेस इतना जा रहा है, क्या आप इसे 1 क्यू में कर सकते हो, आप क्या कहोगे, हाँ या ना। हाँ भाई हाँ, क्यों, क्योंकि आपने जो है वीडियो देखी है। तो अब हम चलते हैं मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच पर। मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच क्या है, हम एक क्यू लेंगे और एक क्यू लेके हम क्या करने वाले हैं, अब की बार हम कहेंगे कि भाई जैसे मैंने 1 आया मेरा, मैंने 1 पुश करा, ठीक है, 1 पुश करा और मैंने नेक्स्ट किया, मैं मेरा 2 आया, मैंने 2 पुश करा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें जो मेरा 1 है ना, मैं उसे इनिशियली उठा के फिर से यहाँ पे पुश करवा दूंगा और इस वाले को मैं जो है हटा दूंगा। सर क्या कह दिया, समझ में नहीं आया। बिल्कुल यार, स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आया था, लेकिन समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कहते हैं, समझ लो कैसे, कोड करके और फिर उसको ट्राई रन समझ कर, ठीक है। तो पहले हम कोड करते हैं और समझते हैं इसे कि आखिर हम कह क्या रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉपी ले लेते हैं इसकी, ठीक है, और इसे कमेंट मारा, तो ये मैंने कॉपी ले ली इसकी, और कॉपी लेके अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सबको हटाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। तो ये मैंने क्या करा, मैंने क्या क्यू बना ली मैंने एक सिंगल, और ये मैंने सारा हटा दिया, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, ठीक है। अब मैंने क्यू बना ली, अब क्यू बना के मुझे क्या काम करना है, सिंपली पुश। पुश का मैं क्या करूँगा, पुश में मैं कहूँगा कि भाई पहले क्यू में पुश करो, तो मैंने क्या भाई क्यू में मैंने पुश करा, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि भाई इंट आई इक्वल्स टू 0 एंड आई इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज -1 और ये मैंने आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, मतलब मैंने एक कम लगा दिया, ठीक है। तो इनिशियली तो ये चलेगा नहीं, जब सेकंड एलिमेंट आएगा फिर ये चलना हमारा स्टार्ट होगा। तो जो मेरा पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा मेरा, मैं क्या कहूँगा, मैं उसे फिर से पुश करवा रहा हूँ, क्यू पुश करके, और क्यू के फ्रंट को मैं ले रहा हूँ, फ्रंट में हमारा क्या हुआ, वही जो मैंने बताया था 1, और यहाँ मैंने क्यू को पॉप करवा दिया, ठीक है, फीफो काम कर दिया मैंने, और ये मेरा काम यहाँ पे डन हो गया। तो मतलब मेरा पुश तो यार बहुत सही सेट हो गया। अब मुझे क्या है, इसके बाद मेरा सब कुछ तो सेम, अब तो झंझट ही खत्म हो गया,
क्यों? क्योंकि अब तो ये बिल्कुल क्यू की तरह हो गई मेरे, अब क्यू की तरह हो गई। तो भाई सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भाई क्यू क्या एम्प्टी है, एम्प्टी है तो भाई क्या कर देना, रिटर्न कर देना जीरो, नहीं तो सिंपल इंट एक्स इक्वल्स टू क्यू का फ्रंट, ठीक है। और हमने क्या करा, क्यू को मारा पॉप और रिटर्न कर दिया एक्स को। यहाँ टॉप में भी तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी, ठीक है। और ये सिंपल रिटर्न क्यू एम्प्टी, क्यू डॉट एम्प्टी। तो गाइस रन करते हैं और ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करते हैं और गाइस इसी के साथ आज का हमारा डेली लीटकोड चैलेंज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और बताइए कि आपको कौन सी अप्रोच अच्छी लगी, और इस वीडियो में आपको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मैं आपसे यार एक लास्ट जाते जाते ये टिप जरूर कहूँगा कि मैंने यार तीन सॉल्यूशन बताए, तो कभी भी ये मत करना कि आप सीधे ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाके अपने इंटरव्यू के बता रहे हो। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हो तो हमेशा कोशिश करो कि आप धीरे धीरे, इंटरव्यू को लगना चाहिए कि आप लॉजिक डेवलप कर रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट के साथ, और जब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।